दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैनल पे। मेरा नाम है कृतिक और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेस्ट H610M मदरबोर्ड्स के बारे में बात। मेरे पास तीन ब्रांड्स के अलग मदरबोर्ड्स हैं इस वीडियो में कंपेयर करने के लिए। पहला है MSI का, फिर गीगाबाइट, फिर ASUS प्राइम H610M। ये तीनों ही बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड्स हैं, एंट्री लेवल है H610 चिपसेट में। तो इन तीनों का होगा कंपैरिजन आज की इस वीडियो में, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, किसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स है, किसमें क्या कमी है और किसमें आपको क्या चीज़ ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गीगाबाइट का कंपैरिजन करूँगा, फिर MSI, फिर ASUS का, डायरेक्ट जो क्राइटेरिया वाइज है उसके हिसाब से कंपैरिजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गीगाबाइट से। तो जो पहला क्राइटेरिया वो है CPU का। तीनों ही जो मदरबोर्ड्स हैं वो सपोर्ट करते हैं LGA 1700 सॉकेट को, यानी सिर्फ 12 जेन इसमें लगेगा। अभी आप कमेंट्स में ये मत पूछना कि इसमें 6 जेन या 7 जेन या 8 जेन लगा सकते हैं या नहीं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 जेन CPUs ही इंटेल के लगने वाले हैं, पुराने जनरेशन का इसमें कोई भी नहीं लगेगा। और ये तीनों ही मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज रैम को, तीनों में ही आप चला सकते हो 3200 मेगाहर्ट्ज़ रैम। और तीनों ही मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम 64GB मेमोरी को, दो स्लॉट सभी में है। तो यानी एक स्लॉट में आप 32GB मैक्सिमम लगा सकते हो और दो स्लॉट 64GB टोटल हो जाएगा। अब PCI एक्सप्रेस स्लॉट की बात कर लेते हैं। तो जो गीगाबाइट है उसमें आपको एक 16X स्लॉट वाला स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप ग्राफिक कार्ड लगाते हो, ये है PCI 4.0 स्टैंडर्ड का। और एक आपको एक लेन वाला 3.0 वाला PCI स्लॉट देखने को मिल जाता है। MSI की बात करें तो उसमें भी आपको एक 16X स्लॉट जो मिलता है वो PCI 4.0 का है, एक मिलता है एक लेन वाला 3.0 स्टैंडर्ड का। लेकिन MSI में आपको एक और जो स्लॉट है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो है वाईफाई की ई वाला M.2 स्लॉट, यानी आप वाईफाई मॉड्यूल लगा सकते हो M.2 की ई में, जिससे आपका जो PC उसमें वाईफाई चलेगा। इसमें आप सेटा ड्राइव कोई भी नहीं लगा सकते, सिर्फ लगेगी इसमें वाईफाई मॉड्यूल की ई वाली। ASUS प्राइम की बात करें तो उसमें भी आपको एक 16X 4.0 मिल जाता है और एक लेन वाला आपको 3.0 PCI एक्सप्रेस स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो जो गीगाबाइट है, गीगाबाइट में आपको मिल जाएगा एक M.2 3.0 जो कि चार या दो लेन में चलेगा, वाया चिपसेट रहेगा और चार सेटा पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो MSI का H610M है -G वेरिएंट, इसमें आपको मिल जाता है एक M.2 3.0 स्टैंडर्ड का जो चार लेन पे चलेगा और ये भी वाया चिपसेट है और इसमें आपको चार सेटा पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये तो चार स्टैंडर्ड बन चुका है सभी में। और अब ASUS H610M ई वाले की बात करें तो इसमें आपको दो M.2 मिल जाता है, जो कि इसमें एक बेनिफिट है। बाकी में आपको एक मिल रहा है, इसमें आपको दो M.2 स्लॉट मिल जाते हैं वाया चिपसेट जो कि चलेंगे चार लेन और दो लेन में, और बाकी चार सेटा पोर्ट्स आपको इसमें भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं USB की। तो जो गीगाबाइट है उसमें आपको दो 3.2 जेन 1 आपको मिल जाएंगे बैक साइड में और चार USB 2.0 मिलेंगे बैक में। मैं इसमें इंटरनल हेडर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो इंटरनल को लगा के आपको दो तीन पोर्ट्स और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन सभी में विदाउट इंटरनल हेडर्स को इंक्लूड करके है। अब MSI की बात करें H610M G वेरिएंट की, तो इसमें भी आपको दो 3.2 जेन 1 मिल जाएगा बैक साइड में, चार USB 2.0 मिल जाएगा बैक पैनल में। अब ASUS H610M प्राइम ई वाले की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा दो USB 3.2 जेन 1 बैक साइड में और दो USB 2.0 बैक साइड में। तो अब इंटरनल कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जो गीगाबाइट है इसमें आपको दो फैन कनेक्टर्स मिल जाएंगे, एक्सक्लूडिंग जो CPU का डिफॉल्ट रहता है उसको काउंट नहीं किया है इसमें मैंने। इसमें आपको मिलेगा दो अलग से जो केस फैन होते हैं उसके दो हेडर मिलेंगे। एक इसमें आपको RGB हेडर मिलेगा, MSI में आपको मिल जाएगा एक फ़ैन हेडर। जो गीगाबाइट है उसमें दो फ़ैन लगा सकते हो एक्स्ट्रा केस वाले, MSI में सिर्फ एक ही फ़ैन एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो CPU को छोड़ के। और एक RGB LED मिल जाती है और MSI में आपको दो 3-pin वाली रेनबो LED भी देखने को मिल जाती है और ईजी डीबग LED MSI की। तो MSI में जो ईजी डीबग LEDs है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर कोई PC में ट्रबल शूटिंग करना है तो कौन से पार्ट में इशू आ रहा है उसकी लाइट ग्लो करती है, तो इजी डीबग LED काफ़ी
अच्छा फीचर है MSI का, और बाकी एक्सपेंसिव में मिलते हैं, लेकिन MSI में जो बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड्स है उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब ASUS प्राइम H610ME की बात करते हैं, इसमें आपको दो फैन मिल जाएंगे, यानी दो अलग से आप केस में लगा सकते हो, और एक RGB हेडर इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जो डिस्प्ले लेने के पोर्ट्स होते हैं वो कितने कितने मिल जाते हैं इन तीनों में। तो जो गीगाबाइट H610M है इसमें आपको एक DSM मिल जाता है, एक HDMI 2.0 मिल जाता है जो कि 4K at 60 Hz पे आप चला सकते हो, इंटीग्रेटेड GPU को इंटीग्रेटेड GPU वाला CPU लेके चला सकते हो। वहीं MSI में आपको मिल जाता है एक VGA जो कि DSM भी हो गया, एक HDMI 2.1 मिलता है इसमें, और एक डिस्प्ले पोर्ट भी देखने को मिल जाता है MSI वाले में। ASUS H610ME की बात करें तो इसमें भी आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, एक HDMI 2.1 मिलता है, और एक DSM यानी VGA देखने को मिल जाता है। अब इन तीनों की प्राइजेस की बात करें तो ये तीनों मदरबोर्ड आपको 7,000 से 7,500 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इनमें से अभी जो मदरबोर्ड्स है वो सब अभी मार्केट में अच्छे से आए नहीं है, मतलब रेयरली आपको जो बाकी वेबसाइट है वेदांत कंप्यूटर्स, MD कंप्यूटर्स, Amazon, इन सब में भी आपको इतने अच्छे खासे इसके स्टॉक्स अभी देखने को मिल नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी न्यू है मदरबोर्ड्स और CPUs भी अभी 12 जन इतने आए नहीं अच्छे से बजट वाले, तो अभी तो फिलहाल ये इतने स्टॉक में है नहीं मार्केट में, लेकिन फ्यूचर में ये जो तीनों मदरबोर्ड्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बजट एंट्री लेवल है, तो ये भी धीरे धीरे आने लगेंगे मार्केट में। फिलहाल इतने ज़्यादा है नहीं, ASUS का और गीगाबाइट का ही आपको अभी मार्केट में देखने को मिलता है, MSI का तो अभी रेयरली कहीं आपको मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो MSI का कहीं नहीं दिख रहा, ऑफलाइन शायद कहीं हो, लेकिन फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन दोनों के ही लिंक्स दे रखे हैं जो जो अवेलेबल है। MSI का भी जैसे ही आएगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना इस वीडियो का, हो सकता है अगर आ गया होगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका Amazon का लिंक मिल जाएगा बाय करने का। तो बस आज की इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर ये कंपैरिजन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और कमेंट करने से पहले वीडियो बोल रहा हूँ पूरा देख लेना, वरना अगर आप सेम चीज़ जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ वही पूछोगे कमेंट्स में तो उसका रिप्लाई मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और फिर आप वीडियो पूरी नहीं देखते और लाइक भी नहीं करते, तो इसलिए वीडियो आप पहले तो पूरी देख लो फिर ही कमेंट करना नीचे अगर कोई डाउट रह गया या कुछ है तो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ इसी चैनल पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।